आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, चैप्टर 7 है ये, एडजॉइंट और इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट इनवर्स निकालने के लिए कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, जैसे कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट निकालेंगे या आना चाहिए, तभी आप एडजॉइंट और इनवर्स समझ पाएंगे। तो ये मान के चलता हूँ कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पता है। पहला सवाल है, इसको मैं प्रॉपर एक एक करके करूँगा, ताकि क्योंकि आगे जो सवाल है वो रिपीटेड है, कई सारे ऐसे आएंगे, तो इसको हम प्रॉपर करेंगे। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब आपके पास ये मैट्रिक्स है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रो बराबर कॉलम। कितनी रोज है इसमें, एक दो, दो रोज, कितने कॉलम्स है, एक दो, तो ये आपके रो और कॉलम समान हो गए, तभी हम इन्वर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, पहले हमें ये चेक करना होता है। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। 2x2 का बड़ा आसान है, देखेंगे क्या करेंगे। -3 ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत आसान तरीका है। पहले आप क्या करिए, 4 को इधर ले जा लीजिए और -3 को यहाँ ले आइए। तो यहाँ पर मैं इसका एडजॉइंट निकाल रहा हूँ, 4 यहाँ आ जाएगा, -3 यहाँ आ जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका है ए, एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं। अब ये जो 5 और 2 है, या 2 या 5 है, इसका साइन चेंज करके लिख दीजिए आप, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। तो ये तीन चीजें करनी है, 1, 2 और 3। तो एडजॉइंट ए को हम पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या है आपका, 4 -5 -2 और -3। अगर आप साथ साथ में देखना चाहेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी आप साथ साथ देख सकते हैं। तो ये है आपका एडजॉइंट ए, और हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, पहले ये वाला कर रहे हैं ए से, यानी कि -3, ये आपका 5, 2 और 4। तो 4 × -3 -12 -5 × 2 -10, 4 × 5 = 20, -5 × 4 = 20, प्लस में आएगा वैसे माइनस है इसलिए लिख दिया। अब -2 × -3 = 6, और -3 × 2 - 6, और -2 × 5 - 10, और -4 × -3 - 12। क्या बना जी, ये आपका बन गया, ये -22, ये 20 - 20 = 0, 6 - 6 = 0, और -10 - 12 - 22। तो ये क्या आ गया जी, ये आ गया एडजॉइंट ए इंटू ए, ये चीज आ गई। अब हम ये करते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पहले तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना है ए का। डिटर्मिनेंट ए निकालना आपको आता है, डिटर्मिनेंट ए में क्या करेंगे, ये जैसे ए है, मैं यही भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ये ए है आपका, ये नहीं, ये ए है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा जी, डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से ए का निकाल रहे हैं, तो ये ए तो ये हुआ ना, ये है जी ए, तो यहीं पे कर देता हूँ, 4 × -3 यानी कि -12, और 5 × 2 ये -10, तो -22 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि इसका मल्टीप्लीकेशन करिए आई के साथ, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं आई के साथ, 1 0 0 1, ये तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, -22 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो ये -22, ये 0 0 -22, ये आ गया। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये तो प्रूव हो गया जी। अब तीसरा करेंगे, तीसरा करने के लिए क्या करेंगे हम, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए आपका ये है -3, 2, 5 और 4। एडजॉइंट ए क्या निकाला था हमने, 4 - 5 - 2 और -3, तो ये -3 × 4 - 12, 5 × -2 - 10। अब माइनस ये -3 × -5 - 3 है ना जी, हाँ -3 ×, अब इस रो का इस कॉलम से कर रहे हैं, तो -3 × -5 - 3 × -5 हो गया आपका, हमने ठीक लिखा ना, ये आपका ए है, ए इंटू एडजॉइंट ए कर रहे हैं, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ओके। -3 × 4 - 12 और 5 × -3 हो गया, -3 × -5 - 15 और 5 × -3 ये आपका 5 × 4 = 5, 5 × 3 = 15 हो गया, ये आपका
क्योंकि इसमें देखिए माइनस, हमने इसको इससे किया तो प्लस में हो गया ये, और जब इसको इससे किया तो माइनस में आ गया, ये हो गया। अब 4 2 8 और ये 4 2 8, ये 4 8 -10 और ये -12, कितना आया ये, ये आपका हो गया -22, ये आपका 0, ये आपका 0, ये -22। तो ये जो तीसरी चीज है a इंटू एडजॉइंट a, ये भी यही आ गया, तो तीनों बराबर हो गया, ध्यान रहेगा। चलिए ये जो है बिल्कुल सेम सवाल है, इसी तरीके से करना है, जो नंबर्स हैं उनको ए बी सी डी कर दिया गया है। मैं बस एडजॉइंट ए निकाल के दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके। मैं इसका आपको एडजॉइंट निकालना बता रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर एडजॉइंट और आपके इन्वर्स का है। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ये निकाल देता हूँ, ए और डी को की जगह चेंज कर देंगे, तो ये डी है, ये ए हो गया, और इन दोनों को नेगेटिव कर देंगे, माइनस सी और माइनस डी माइनस बी। तो आप देखेंगे इसका एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी या ए जो भी कहें आप, बी मान के चलिए, ए मान के चलिए, फिर आपको ये तीनों चीजें करनी है जैसे मैंने अभी बताया, तो आप कर लेंगे ना इसको, सेम चीज करनी है आपको, बिल्कुल सेम यहां पर काम हो रहा है, एकदम सेम। तो मैं इसमें आपको एक काम करते हैं कि पहले तो मैं इसका निकाल देता हूं, एडजॉइंट निकाल देते हैं। एडजॉइंट निकालेंगे कैसे, इस कॉस अल्फा को इधर ले जाइए, इस कॉस अल्फा को इधर ले जाइए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा, हाँ ये साइन माइनस साइन अल्फा हो जाएगा ये, और ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसको, बाकी चीजें तो आप कर लेंगे, मैं ये करके दिखा दे रहा हूं क्योंकि जो ये करेंगे वही ये मल्टीप्लीकेशन होगा, सेम चीज। तो हम क्योंकि मैंने पिछले वाले में आपको ये दोनों बताए, ये भी करके दिखाया, लेकिन अब ये वाला कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी कैसे करना है। तो मैं तीसरा कर रहा हूं, तो ए क्या है आपका, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा प्रॉपर। ये आपका हो गया ए, एडजॉइंट ए ये हो गया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलिए साहब ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करिए, ये हो गया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हो गया प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हो गया आपका प्लस होता है ना, तो माइनस, क्योंकि माइनस है इसको इससे कर साथ कर रहे हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसका इससे साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये तो जीरो हो गया जी, ये भी जीरो हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये रहेगा आपका, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये जीरो, ये जीरो, ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। जब आप ये करेंगे तो ये भी यही आएगा। आपको मैंने एडजॉइंट ए और ए बता दिया, मैंने आपसे कहा कि डिटरमिनेंट आपको निकालना आना चाहिए, एक तो डिटरमिनेंट आना चाहिए निकालना, और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज समझ पाएंगे। अगर नहीं आपको आइडिया है या फिर थोड़ा सा रिविजन मांगता है तो आप थोड़ा पीछे जाके इसको प्रीवियस एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा यहां पर है सेम चीज, यहां पर है सेम, बिल्कुल कोई परिवर्तन तो है नहीं इसमें। तो इसमें एक काम करेंगे, मैं आपको ये वाला करके बताऊंगा, बीच वाला। पहले तो आपके सामने सॉल्यूशन रख देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि करना कैसे है, क्या क्या इसका स्टेप बाय स्टेप क्या आएगा। अगर जो खुद करना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, कि एक आइडिया ले सकते हैं अगर कहीं अटक जाते हैं तो। चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये आपका यहाँ एडजॉइंट ए तो यही निकाल लेते हैं, ये आपका ए है, ये एडजॉइंट ए निकाल रहा हूँ जी मैं। कैसे निकलेगा, इन दोनों को आप, ये वन है, इनको रिप्लेस कर दीजिए, मतलब रिप्लेस क्या कहेंगे, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब इसका साइन चेंज कर दीजिए, तो इसका मतलब ये आपका साइन, ये टेन अल्फा हो जाएगा, टेन अल्फा बाय टू, और ये आपका हो जाएगा टेन अल्फा बाय टू नेगेटिव में, ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ये वाला करके दिखा रहा हूँ। तो पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ, ये डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। डिटरमिनेंट का सीधा तरीका क्या है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और माइनस कर दीजिए माइनस, ये माइनस में ऑलरेडी है तो प्लस कर देता हूँ, और ये आपका टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, ये हो गया, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी 2x2 है तो ये आपका 1001। तो फाइनल क्या आने वाला आपका, यह आएगा 1 plus 10 square alpha by 2, ये आपका 0, ये भी 0, ये 1 plus 10 square alpha by 2। तो आप जब ये एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए। ये आप रीचेक कर सकते हैं एक बार, मैं आपको बता दूं ये बराबर आएगा, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका तीनों चीजें सेम आएंगी। कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अभी हमने क्या किया, 2x2 देखा, उसके 3-4 सवाल कर लिए। अब यहां पर है 3x3 मैट्रिक्स, तो इसमें एडजॉइंट ए निकालने में आपको प्रॉपर कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। ओके, पहले आप कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उस जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो मैं आपको इसको प्रॉपर करके दिखाऊंगा ताकि आगे जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसको हम आराम से डील कर सके। तो कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, अब देखिए ये है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, तो हम एक एक करके करेंगे। अब ये जो है इसको मैं इक्वेट किससे के साथ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बनाना बड़ा आसान होता है, इससे आपका एक एक ट्रिक समझ लीजिए, ये बहुत आसान हो जाएगा आपका। ये 1 2 3 रो है, 1 2 3, और 3 कॉलम्स है, 1 ये आपका 1 2 3, ये है a11। इसको हम कोफैक्टर निकालना है तो मैं c11 लिख रहा हूं, ठीक है जी, c11 c12 c13 c21 c22 c23 और c31 c32 c33। अब हम C11 निकाल रहे हैं, जब हम C11 निकालते हैं तो इसके आगे पहले तो हम साइन लगाते हैं, -1 की पावर 1 प्लस 1 यहां, ये दो 1-1 है यहां पर ऐड हुआ, और इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, यहां पर लेंगे हम कौन कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, देखिए C22 1 है, और एक दो निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, ये C22 आपका 1 है, C23 आपका 2 है, ये आपका 2 है C32, और ये आपका C33 आपका 1 है। क्या निकल के आएगा ये, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 ये -1 टू द पावर 1 प्लस 1, ध्यान रखिएगा -1 टू द पावर हमेशा इवन जो होता है हमेशा 1 होगा, -1 की पावर हमेशा ऑड जो होता है वो हमेशा ऑड, मतलब ऑड जो होगा उसमें नेगेटिव आएगा, बस आपको देखना है ये इवन है कि ऑड है, तो -1 की पावर 2 ये आपका पॉजिटिव रहेगा, और ये होगा 1 -2 टू द 4, तो आपका -3 आ गया। तो एक दो और निकाल के दिखा देता हूं मैं, बाकी सब हम आराम से इसको एनालाइज भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, और इसी एनालॉजी से हम कर सकते हैं। तो मैं आपको C32 निकाल के दिखा रहा हूं, या कोई भी और देख सकते हैं, C32 देख लेते हैं क्योंकि ये ऑड भी है। तो C32 निकालना है आपको, तो सबसे पहले -1 की पावर 3 प्लस 2 करिए, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये और ये लिखना आपको, मतलब 1 2 और 2 2, -1 की पावर 3 प्लस 2 ये ऑड है तो ये माइनस रहेगा, ये होगा 2 -2 टू द 4, तो 2 - 4 आपका -2 हो गया, -2 है जी ये, तो -2 और बाहर माइनस है तो आपका 2 आया। तो अगर आप देखेंगे C32 ये आपका 2 आया है, तो बाकी सब कर लेंगे आप, ये तो निकाल लेंगे ना, कोफैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले। चलिए अब इसका फाइनल मैट्रिक्स मैं बता दे रहा हूं आपको, जो फाइनल मैट्रिक्स आने वाला है एडजॉइंट ए का, इसमें क्या करेंगे, ये जो कोफैक्टर मैंने निकाले हैं, जैसे 2 निकाले हैं तो वो उनको उनकी जगह रख देता हूं, जैसे यहां -3 निकाला हमने और यहां पर हमने 2 निकाला, ऐसे बाकी निकाल लेंगे आप, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आपका 2 - 3, ये 2 2 - 3। अब आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, ये एडजॉइंट ए नहीं निकला अभी, ठीक है जी, एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको इस ये जो मैट्रिक्स आया है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कह सकते हैं इसको, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, मतलब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए नहीं आया है, एडजॉइंट ए अभी ये आने वाला है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में तब्दील कर देंगे, तो रो को कॉलम में तब्दील कर देते हैं, ये रो कॉलम बन जाएगी 3 - 3 2 2, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी 2 - 3 2, ये रो कॉलम बन जाएगी 2 2 - 3, ये हो गया एडजॉइंट ए आ गया आपका। अब एडजॉइंट, अब मल्टीप्ली एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है आई, और ये ए इंटू एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
हमारे पास ऑलरेडी ये जो वैल्यूज़ हैं उसको यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। देखिए पहले मैं डिटर्मिनेंट ए निकाल के दिखाता हूँ, या पहले एडजॉइंट ए इंटू ए कर लें फिर ये वाला दिखा दूंगा, क्योंकि ये देखिए ये और ये तो बिल्कुल सेम है ना, इसमें तो आपको जगह फेर इधर उधर करनी है और मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक मल्टीप्लिकेशन वाला बता देता हूँ, एक डिटर्मिनेंट वाला बता देता हूँ, ये दोनों इक्वल आ गए तो ये इसको भी आप ट्राई करेंगे। तो पहले तो ये आ गया आपका, ये है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इंटू ए करना है, तो ये हो गया माइनस थ्री टू 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 माइनस थ्री टू और टू टू माइनस थ्री, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपका एडजॉइंट ए है, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए क्या है आपका, ये वाला वन टू 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 वन टू 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 वन, ये मल्टीप्लीकेशन तो कर लेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले इस पूरे रो को इस कॉलम के साथ करते हैं, मतलब माइनस थ्री इंटू वन, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, प्लस टू इंटू टू फोर, और पर एक रो करके दिखा रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, क्योंकि इसको करने में बहुत समय लग जाएगा। टू इंटू टू आपका फोर हो गया, और टू इंटू टू फोर, ठीक है। इसी तरीके से अब आप एक कॉलम करके दिखा रहा हूं आपको, ये वाले हो गया, अब इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे और यहां लिखेंगे। अब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहा हूं, तो टू इंटू टू टू, और माइनस थ्री इंटू वन माइनस टू इंटू वन, माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स हो गया, और टू इंटू टू फोर हो गया। अब टू इंटू वन टू, टू इंटू टू फोर, और माइनस थ्री इंटू टू टू सिक्स, यहां जो भी आएगा बता देता हूं आपको क्या आएगा, पहले इसको कर लेते हैं। ये क्या रहा आपका, फोर फोर और एट, एट माइनस थ्री फाइव हो गया, ये सिक्स माइनस सिक्स जीरो, ये सिक्स माइनस सिक्स जीरो, बाकी बता देता हूँ, ये आपके जीरो जीरो आएंगे, ये फाइव आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, फाइव आएगा। तो अभी हमने क्या किया, एडजॉइंट ए इंटू ए किया, तो ये आपका आ गया। अब आप देखिए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा, डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, मैं इसको क्लियर कर देना हूँ सबको। हाँ अब हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट यही निकाल लेते हैं, ठीक है, इस रो से खोल लेते हैं। तो वन ये आपका माइनस टू, वैसे तो आपके पास कोफैक्टर है, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप माइनस, लेकिन तरीका तो बताना पड़ेगा ना, जो पहली बार देख रहे हैं, जो जो नाइव है उनके लिए बताना पड़ता है। तो वन इंटू दिस क्या आएगा, वन वन टू टू वन, वन टू टू वन, माइनस टू के साथ क्या आएगा, टू 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 वन, और ये आपका है टू, प्लस टू में आएगा, तो टू टू वन टू, तो ये बना आपका वन, ये होगा वन माइनस टू टू फोर, तो माइनस थ्री आया, यही इसका कोफैक्टर भी है, ध्यान रखिएगा, माइनस टू, इसके अंदर क्या आएगा, टू माइनस टू टू फोर, यानी कि माइनस टू प्लस टू, ये टू टू फोर माइनस टू, तो आपका टू आएगा, ये माइनस थ्री माइनस टू टू फोर, तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस फोर, तो एट माइनस थ्री आपका फाइव आ गया, तो डिटर्मिनेंट आपका फाइव आ गया। अब डिटर्मिनेंट फाइव और इंटू एक आइडेंटिटी कर दीजिए, तो आइडेंटिटी कैसे लिखेंगे, थ्री बाय थ्री की, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो ये डिटर्मिनेंट है ही, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए मल्टीप्लीकेशन होगा, फाइव सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फाइव जीरो 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 फाइव, नहीं जीरो फाइव जीरो और जीरो जीरो फाइव, तो ये क्या आ गया जी, ये इसके बराबर आ गया, ये आप कर लेंगे। हाँ मैं मान के चलता हूँ कि दिस यू कैन डू। तो कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे अभी अभी हमने किया, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आंसर इसका जरूर दिखा दूंगा आपको, बिल्कुल सेम अपनाना है तकनीक जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से है, कि नंबर्स चेंज है, काम वही करना है आपको, तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप जब इसको करें तो आपको रेफर कर सकें कि भाई हमें हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको शो करना है कि ए और एडजॉइंट ए इसका जीरो होता है, यानी कि क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स है तो रिजल्ट भी जीरो में ही आएगा, तो ये मैट्रिक्स ही होगा, इसलिए कैपिटल ओ लिखा है।
तो आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट ए निकालना है। और एडजॉइंट ए निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, उसके लिए क्या करना होता है, हमको सारे कोफैक्टर निकालने होते हैं। तो कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकाल के जो मैट्रिक्स लिखेंगे उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जैसे अगर मैं इसको इक्वेट करूँ ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री से, ये ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, ये ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। अब इसमें देखिए आप कि मैं वैसे तो ये मेंबर्स हैं लेकिन मैं इनका कोफैक्टर निकालने वाला हूँ। मान लीजिए मैं इसका निकाल रहा हूँ ए थ्री वन का, सी थ्री वन निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको ये रो और ये कॉलम छोड़ देनी है, इसको लिखना है माइनस वन थ्री और वन और ज़ीरो, ये हो गया। लेकिन इसके आगे आपको माइनस वन टू द पावर ये थ्री प्लस वन भी करना है, तब ये कोफैक्टर बन जाएगा। तो माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस वन यानी कि माइनस वन टू द पावर फोर यानी कि माइनस वन टू द पावर इवन, ये आपको क्या मिलेगा, ये वन मिलेगा। तो इसकी ये वन हो गया। अब इसको करिए माइनस वन इंटू जीरो माइनस थ्री इंटू वन, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो माइनस थ्री आपका माइनस थ्री आ गया। तो आप देखेंगे ए थ्री वन, अगर आप यहां सी थ्री वन निकालने की कोशिश की गई तो माइनस थ्री आया। ए इस बार ए टू थ्री निकालते हैं, दो निकाल के दे देता हूं मैं, सी टू थ्री निकाल रहे हूं। तो सी टू थ्री निकालने में क्या होगा कि आपको ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है। तो आपका ये आएगा एक अट्ठारह, और ये रो कॉलम छोड़ा, ये माइनस वन और ये टू आया, तो कितना हुआ टू माइनस 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 प्लस और ये अट्ठारह, तो ये होगा आपका बीस। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ और है, यहाँ पर आप माइनस वन टू द पावर टू प्लस थ्री करेंगे, तो माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री होता है फाइव, माइनस वन टू द पावर फाइव यानी कि ये ऑड है, तो ये आपका माइनस आएगा, तो ये माइनस ट्वेंटी बनेगा। तो ये सारे निकाल लेंगे आप, और जब सारे निकाल लेंगे तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, तीस माइनस बीस माइनस पचास और बारह माइनस आठ माइनस बीस, ये माइनस तीन दो पाँच। अब ये आपका जो है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसको आप सीएम कर दीजिए। लेकिन अब इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो आपको रो को कॉलम में बदलना पड़ेगा। अब इसका एडजॉइंट ए जब निकलेगा तो ये रो होगी ना, ये आपको कॉलम में तब्दील हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो थर्टी माइनस ट्वेंटी और फिफ्टी है ये यहां आएगा, फिर 12 माइनस एट और माइनस बीस यहाँ आ जाएगा, माइनस थ्री टू फाइव ऐसा आ जाएगा। तो ये इसका एडजॉइंट आया है। अब आपको करना क्या है, ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए ये तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये एडजॉइंट ए हमने जो निकाला वो यहाँ है। अब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, माइनर निकालना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, तभी आप एडजॉइंट और इनवर्स निकाल पाएंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, इसको कैपिटल जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यही इसका उत्तर है। तो बिल्कुल सेम सवाल है इसी तरीके से, आप क्या करेंगे मैं यही भी समझा देता हूं आपको। ये जो मैट्रिक्स है इसका आप सारे कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर मैंने समझा दिया आपको, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे यानी कि रो को कॉलम में बदल देंगे, तो ये आपका ए मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि वही मैट्रिक्स आ जाएगा जो आपका जिससे आपकी शुरुआत हुई है। अब ये मैट्रिक्स है आपको शो करना है कि एडजॉइंट ए थ्री ए की पावर टी, ए की पावर टी का मतलब कुछ नहीं होता, ये आपका ए ट्रांसपोज है ना, थ्राइस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए निकालने पहले मैं आपको थ्राइस करके दिखा देता हूँ, थ्राइस ए ट्रांसपोज, पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इस रो को हम कॉलम बनाएंगे, ये हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस टू, ऐसी ये टू वन माइनस टू है, इसको टू वन माइनस टू कर दीजिए। अब ये टू माइनस टू वन है, इसको यहाँ लिख दीजिए माइनस टू वन। अब इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, माइनस थ्री सिक्स सिक्स, ये माइनस सिक्स वन थ्री और माइनस सिक्स, ये आपका माइनस सिक्स और थ्री। तो अब जब आप इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे तो ये आना चाहिए, एडजॉइंट ए निकाल देता हूँ मैं, यहाँ देखिएगा इसके सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है, ये जो भी मैट्रिक्स आएगी इसका ट्रांसपोज लेना है। और आप ये देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है इससे अगर आप थ्री बाहर ले लें, इससे अगर थ्री बाहर ले लें तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी, या फिर ये कहेंगे एडजॉइंट ए इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, सेम चीज आ गई ना, ऐसे होगा। फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए फॉर द मैट्रिक्स ए, तो इसको भी मैं स्किप करूंगा क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। ये ए है, आपको क्या करना है एडजॉइंट ए निकालना है, पहले को सारे कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर के जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, रो को कॉलम में बदल लीजिए, और उसके बाद आपकी जो भी मैट्रिक्स आएगी ये एडजॉइंट ए
इसको ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे आप तो ये आपका इस तरीके की मैट्रिक्स आ जाएगी। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हम 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा इसका डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकाला जाता है, और डिटर्मिनेंट निकालने का 2x2 का तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और सबट्रैक्ट कर दीजिए। कहने का मतलब ये आप कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, और ये माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। तो डिटर्मिनेंट ए जो है ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 1 वैल्यू आ रही है। तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 नहीं आ रहा, इसलिए इसको सिंगुलर कहते हैं। अगर 0 आता है तो इसको नॉन सिंगुलर कहते हैं, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। अब इसका इन्वर्स निकल सकता है, तो मैं इसको प्रॉपर करूंगा, एक एक करके इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसको ये है आपका कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये आपका है माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। अब इसका क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इनवर्स वाला, तो इसको हम प्रॉपर करेंगे। इसमें क्या है कि ये आपका C11, ये C12, ये C21, ये C22, C11 निकाल रहे हैं। C11 क्या होगा, -1 to the power 1 + 1, और अब C11 निकालना है तो ये आपको cos थीटा आ जाएगा सीधा। C इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, -1 to the power ये इवन है तो ये प्लस रहेगा, cos थीटा आ जाएगा आपका। अब हम C12 निकाल रहे हैं, C12 के लिए क्या करेंगे, -1 to the power 1 + 2 हो जाएगा ये वाला, और ये रो, ये जब ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। लेकिन ये -1 to the power 1 + 2 क्या होता है, माइनस 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 प्लस हो गया। हम C21 निकाल रहे हैं, ये -1 to the power 2 + 1, और यहाँ पर क्या आएगा आपका C21 निकाले तो इसको इसको छोड़ दीजिए, ये साइन थीटा आएगा आपका। अब क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि ये 3 है ना, -1 to the power 3, तो ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा जी। अब C22 निकालेंगे, C22 निकालने का तरीका क्या है, ये रो ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, कॉस थीटा आएगा बस। और मुझे दिख रहा है 2 + 2 है, यानी कि -1 to the power 2 + 2, -1 to the power 4, यानी कि 1 हो जाएगा, तो cos थीटा आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे इन मैट्रिक्स को इस जगह पे। C11 कहाँ है, C11 क्या है, cos थीटा। C12 क्या है आपका, C12 आया sin थीटा। C21 कितना आया, माइनस sin थीटा, और ये आपका कितना आया, C22 cos थीटा। अब ये जो आया है ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम में बदलना है। तो रो को कॉलम में बदलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये रो कॉलम बन जाएगी, तो कॉस थीटा, ये साइन थीटा। ये रो कॉलम में बदल जाएगी, इसका मतलब यहाँ माइनस साइन थीटा या कॉस थीटा, ये आ गया जी। अब ये आपका आया एडजॉइंट, एडजॉइंट आया है। और ए इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का सीधा फॉर्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपका ये जो है, ये जो पूरा है, अगर मान लीजिए मैं इसको एडजॉइंट ए मान लेता हूँ, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो ये 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, सेम चीज़ आ जाएगी। और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बात रहेगी। तो ये 2x2 का इनवर्स कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया। अब इसमें आप इनवर्स निकाल लेंगे आराम से, तो खैर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिख रही होगी, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है इसमें, क्योंकि जो आपका डायगनल है ये 0-0 है। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 0 - 0 × 0 = 0, -1 × 1 = 1, तो -1 आ गया, इसका मतलब 0 नहीं है, तो इन्वर्टिबल तो है। अब आपको ये कोफैक्टर निकालने हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए -1 से, तो आपका ये बी इनवर्स कहिए या जो भी मैट्रिक्स को आप मानिए, वो आपका इनवर्स आ जाएगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये भी आप कर लेंगे, है ना, क्योंकि आप देखिए अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, ये आएगा ए इंटू 1 + b + b × c / a और -bc, ये हटा दीजिए, ये 1 + bc - bc, ये कैंसिल, 1 आ गया आपका। तो इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है। अब इसका ये सारे निकाल लेंगे आप, ये आराम से निकाल लेंगे, इसको लिखेंगे, उसके बाद इसका आपको क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, यानी कि ये रो जो होगी ये कॉलम बन जाएगी, और ये रो आपकी ये कॉलम बन जाएगी, हो गया जी। और उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 1 आया था, 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही चीज़ आ जाएगी।
सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी इन्वर्स आप निकाल लेंगे, ये एक मैंने आपको करके बता दिया, तो ये सारे सेम ऐसे ही होंगे। डिटरमिनेंट देखिए पहले है कि नहीं, सारे के कोफैक्टर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी उसको ट्रांसपोज करके इसको 17 से यानी कि डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, और आप 1/17 लिख दीजिए, इसी यही आंसर हो जाता है। इसको 1/17 या -5/17 लिखने की आवश्यकता है नहीं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। अब जो हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका है वो सीधा हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स निकालेंगे किस तरीके से, एडजॉइंट ए, पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे और उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए से इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अब डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं, तो मैं यही निकाल देता हूं इसको। हम इससे खोल लें 1, 2, 3 से, तो 1 ये -2 और ये आपका 3। ओके, तो 1 जब आप रखेंगे तो ये होगा 3, 1, 1, 2। जब 2 रखेंगे तो इसको छोड़ दीजिए, 2, 3 और 1, 2। जब 3 रखेंगे या इसको लेंगे तो 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1। इसको कंप्यूट कर लेते हैं, होगा 3, 2, 6 -1 तो 5, ये हो गया 5 माइनस, ये हो गया 2, 2, 4 -3 यानी कि 1, 1 और ये तो -2 ही रहा। ये हो गया 2 -3, 3, 9 तो ये हो गया -7 और 3 आपका ऑलरेडी है तो -7, 3, 21 तो कितना आ गया जी, ये हो गया 5 -23 तो ये 5 यहाँ से गया 18, -18 आ गया। डिटर्मिनेंट इसका -18 है। अब आप देखिए कि इसका आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर -18 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। तो मान के चलिए कि इसको मैं इंगित कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि किसका कब निकल रहा है। ये आपका हो गया C11, C12, C13, ये C21, C22, C23, ये C31, C32, C33। तो C11 निकाल रहे हैं जी, C11 निकालना है तो -1 to the power 1+1 क्या आएगा यहाँ पर। C11 जब निकालेंगे, वैसे कुछ चीज़ें तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं लेकिन हम दोबारा करेंगे, तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, 3112 आएगा यहाँ पर, 3112। तो ये ध्यान रखिएगा, बस इसको देखना है, इवन है तो माइनस की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। ये 3 6 6 -1 यानी कि 5, C11 आपका 5 आ गया। एक आध और मैं निकाल देता हूँ, ये वाला C22 निकाल लेते हैं और C32 निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कैसे निकल रहा है। -1 to the power 2+2 यानी कि ये तो प्लस ही रहेगा, ये -1 to the power 3+2 ये आपका ऑड रहेगा यानी कि 5 है। अच्छा 2 में क्या आएगा, इसको छोड़ दीजिए तो 1 3 3 2 आ गया, 1 3 3 2 ये कितना हो गया 2 -3 is 9 तो ये आपका -7 आ गया जी, ये -7 आ गया आपका। सी हमने 2 निकाला है। अब C32 देख लीजिए, मैं कुछ निकाल रहा हूँ बाकी तो यहाँ दिए ही हुए हैं लेकिन आपको तरीका बता रहा हूँ कि एक एक को हमको करना है, सारे के सारे करना है, 2-3 मैं आपको बता रहा हूँ। -1 to the power 5 ये 3-2 है, 3-2 हमने ये लिया है तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 1 आएगा, 1 2 3 1 ये कितना बना 1 -3 to the 6 तो आपका -5 आया है और ये -1 to the power 5 तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 आ गया है। तो आप देखेंगे C32 आपका 5 आया है, C11 आपका 5 आया है, C22 -7 आया है, ऐसे बाकी सारे निकाल लेंगे। तो बाकी सारे निकालने के बाद मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ। मैट्रिक्स जो आएगी आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, 5 -1 -7 1 -1 -1 इसको रीचेक कर लीजिएगा, जब आप करेंगे खुद ही तो आपको चेक करना आएगा। ओके, अब ये आपका जो है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है। अब इसका हमको लेना है क्या, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेंगे, इस रो को कॉलम बना देंगे तो आपका ये बनेगा 5 -1 -7। इसका हम कॉलम बना देंगे, कितना बना, -1 -7 और 5 इसका कॉलम बना देंगे, -7 5 और -1। अब ये आपका एडजॉइंट आ गया जी, ये आपका एडजॉइंट ए है। अब एडजॉइंट ए को आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है ताकि आप एक इनवर्स ला सके। इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, डिटरमिनेंट ऑफ ए -18 आया था, -1/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अंदर अगर 18 का मल्टीपल हो तब तो 18 अंदर ले जाइए, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत है नहीं, है ना। ठीक,
फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ये 3x3 का मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। पहले मैट्रिक्स लिखिए, इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, फिर इसका ट्रांसपोज ले लीजिए और इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, मैं बता देता हूँ, 27 आने वाला है इसका, और इसको इससे 27 को इससे डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। एक और आपका 3x3 मैट्रिक्स है, इसका भी इन्वर्स निकालना है, ये भी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि देखिए मैं क्योंकि जानता हूँ इसलिए मैं इसको करके बता दे रहा हूँ, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप फटाफट निकालने लगेंगे। यहां पर भी आपका एक इन्वर्स निकालना है, 3x3 मैट्रिक्स है, इसको भी निकाल लेंगे आप। ये भी आपका 3x3 मैट्रिक्स है, इसको भी मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा रीचेक कर सकते हैं यहां पे, पहले खुद करिएगा फिर देखिएगा। ये भी आपका 3x3 मैट्रिक्स है, इसका भी इन्वर्स इसी तरीके से निकलेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, ट्रांसपोज लेना है, डिवाइड करना है आपके इसके डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट पहले जरूर चेक कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो मामला नहीं बनेगा, फिर कुछ अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इसको निकाला जाए या, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको यही समझा देता हूँ इसको, नहीं? ओके, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स तो बना देंगे आप, है ना। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स बना देंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग सी चीज नहीं है, बस माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और उसके बाद हम ट्रांसपोज निकाल के इसको इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट जरूर निकाल देता हूँ मैं, डिटर्मिनेंट कर देता हूँ। इसको इस रो से खोल लेते हैं तो इसमें ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं। बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस जीरो इंटू प्लस जीरो समथिंग आएगा, उसको हम नहीं लिख रहे। तो जब हम इसको लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फा या साइन अल्फा या साइन अल्फा या माइनस कॉस अल्फा, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस कॉस स्क्वायर हो गया अल्फा और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा। तो ये आपका बेसिकली ये वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वन होता है, ये माइनस वन आएगा आपका। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो माइनस वन है। तो ये आप निकालने के बाद इसको माइनस वन से डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब आप सारों को, सारे का जो ये फाइनल आएगा ना ट्रांसपोज करके, इसके साइन चेंज कर दीजिएगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, वेरीफाई ए इनवर्स ए इक्वल्स आई थ्री। तो ए इनवर्स हम निकालना सीख गए हैं, ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थ्री का मतलब ये होता है कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, यहाँ वन वन और वन होगा, बाकी हर जगह आपके जीरोज होंगे, तो ये आपका हो गया आई थ्री। तो ये ए इनवर्स निकालना तो सीख ही गए हम लोग। ए इनवर्स को मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इसमें करना क्या होता है, आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे C11 है, ये C12 है, ये C13 है, हर एक का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर होता है माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे, यानी कि ये जो आपके सब्सक्रिप्ट होंगे, और साथ में जैसे इसका निकालना है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे आप, और उसको 4334 ऐसे लिखेंगे, और इनको इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। 4416 माइनस 3309, तो ये 16 माइनस 9 बनता है आपका 7, और माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे ये 1+1 है, तो माइनस वन टू द पावर 1+1 क्या हुआ 2, ये आपका 1+ हो गया, +7। तो ये जो जैसे आया है वैसे आप सारा कर लेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, और फिर मतलब जैसे C11 है उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज में आपको रो को कॉलम में बदल देना है, रो को कॉलम में बदल देना है, रो को कॉलम में बदल देना है, ये हो गया आपका। तो ये आपका बन जाएगा एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना आपको आता है, मैं इसको डीप में नहीं जाऊंगा, ये 1 आएगा। तो एडजॉइंट ए को आप डिवाइड कर देंगे इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, यानी कि ऐसे करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे, तो ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, कहने का तात्पर्य आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल सेम है, इसका भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको जरूर करें और फिर उसके बाद आंसर वगैरह देखें। ऐसे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, हम वापस लौटेंगे। ये आपका बिल्कुल सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, और उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी यही चीज पूछी गई है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बहुत सही तरीके से बताऊंगा ताकि हम आगे के जो क्वेश्चन है उनको कर सके। तो मैं पीछे जा रहा हूं और वहां क्वेश्चन पे आ रहा हूं जिसको हम करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप a इंटू बी कर लीजिए। a इंटू बी मतलब क्या है, हम एक एक करके करेंगे पहले, उसके बाद फिर इसका हम, क्योंकि ये यहां पर आपको इन्वर्स निकालना है
तो इसका इन्वर्स अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा। तो सबसे पहले ए इंटू बी कर लेते हैं। ए इंटू बी क्या है, ये आपका 3 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 5 है, और जिनको ये आता है वो आगे बढ़ जाए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2, यानी इस रो का पहले इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे वन बाय वन। अब आया 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3, फिर 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2, तो क्या बना जी, ये हो गया 4 थ्री 12 और ये बना 3 टू 6, तो ये हो गया 18 लिख देता हूँ मैं। ये हो गया 7 फोर 28 प्लस 5 थ्री 15, तो 15 में इसमें ऐड कर दीजिए 8 और 5 हो गया आपका 3 और ये 4 43 हो गया। ये 6 थ्री 18 प्लस 2 टू 4 22 हो गया, ये 7 सिक्स 42, 5 टू 10 यानी 52 हो गया। अभी क्या है आपका, ये ए इंटू बी आया है, अब इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का तरीका आप जानते हैं, सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपका मान लीजिए ये ए इंटू बी है और आप इसका आप पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, यानी कि एडजॉइंट हम निकाल रहे हैं ए बी का। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको इन दोनों को रिप्लेस कर देना है, यानी कि इनकी जगह चेंज कर देना है। इसको 52 करिए, इसको 18 करिए, और उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज कर देना है। ये माइनस 22 हो जाएगा, ये माइनस 43 हो जाएगा। ये आपका इन्वर्स बन गया जी, ये एडजॉइंट बन गया जी, ये एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट ए आपका ए बी आ गया, अब आपको इसको डिवाइड करना है किससे, एडजॉइंट ए बी को आपको डिवाइड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी से। तो आप क्या करेंगे, 52 मल्टीप्लीकेशन 18 माइनस 22 मल्टीप्लीकेशन 43। तो मैं थोड़ा सा इसको दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि कैलकुलेशन आप जरूर कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये माइनस 10 आएगा, ठीक है जी, ये आपका माइनस 10 आएगा, और इसको आपको बेसिकली माइनस 10 से, यानी कि माइनस 1/10 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका ये जो भी चीज आई है माइनस 1/10 से डिवाइड कर दिया हमने, ये आपका डिटर्मिनेंट ए था, ये फाइनल आपका इधर पे आना चाहिए, है ना। तो आपका पहले बी इनवर्स निकलेगा, फिर ए इनवर्स निकलेगा, और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो बी इनवर्स पहले निकालेंगे, इसका इनवर्स क्या निकलेगा, बी इनवर्स का मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये दोनों को हम एक्सचेंज करेंगे। ये बी इनवर्स निकाल रहा हूं जी, बी इनवर्स निकल रहा है अभी। तो बी इनवर्स क्या आएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 6 और माइनस 3। ये एडजॉइंट बना, पहले मैंने एडजॉइंट ए बनाया, अब इसका डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका डिटरमिनेंट क्या होगा, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 8 माइनस 6 3 जा 18, तो माइनस 10 आ गया जी। तो माइनस 1/10 से डिवाइड कर देंगे इसको, है ना। ये हो गया आपका, ये आपका निकल गया बी इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालेंगे, यहां पर भी हम कैसे कर देते हैं, 3 और 5 को एक्सचेंज कर देंगे। अब हम ए इनवर्स निकाल रहे हैं, तो इसको एक्सचेंज कर देंगे, ये 5 यहां आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, और इनका साइन चेंज कर देंगे, माइनस 7 और माइनस 2। अब इसको क्या करेंगे, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया है, इसका डिटरमिनेंट निकाल के इसे डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आया, 5 थ्री 15 माइनस 7 टू 14, यानी कि 1 आया। तो 1 से डिवाइड करने का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना, बी इनवर्स ए इनवर्स करना है ना, तो माइनस 1/10 को तो छोड़ ही दीजिए, वो यहां पर आपको दिख ही रहा है। अब आप देखिए, 2 इंटू 5 प्लस 7 सिक्स 42, फिर 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 6 इंटू 3, ये हो गया माइनस 3 इंटू 5 प्लस 4 माइनस कर देता हूं उसको, माइनस 7 फोर 28, और ये आपका बना माइनस 3 इंटू माइनस 2 6 हो गया प्लस 4 थ्री 12, तो क्या हो गया, 5 टू 10, 10 प्लस 42 आपका 52 हो गया। ये माइनस आपका 4, ये माइनस 18, माइनस 22 हो गया, 5 थ्री 15 माइनस 28, यानी कि आपका ये 43 हो गया माइनस में, और 6 प्लस 12 आपका 18 हो गया। तो ये क्या चीज़ आ गई जी, माइनस 1/10 तो है ही। अब इसको यहाँ से देखिए, ये वाले को और ये वाले को सेम आ गया ना, ऐसे ही आपको करना है बाकी सारे। मैं आपको इसको ज़रा हटा देता हूँ और एक बार प्रॉपर दिखा देता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है जी, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हम इसको कैसे करेंगे। वन बाय वन अगर एग्जामिनेशन में लिखना है या फिर आपको होमवर्क में लिखना है तो प्रॉपर ऐसे करना होगा आपको, इस तरीके से ऐसा। हाँ, एक चीज़ और इसमें बताना भूल गया मैं,
कि जो डिटर्मिनेंट ए बी है, जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे ये आपको यूजर जो एग्जामिनर है उसको जरूर बताना है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तभी हम इन्वर्शन निकाल पाएंगे। इसमें भी देखिएगा आप और इसमें बी में भी देखिएगा आप, ये बकायदा बताया गया है, ये आपको बकायदा एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, ये वाला कर लेंगे, पहले ट्राई करिएगा और उसके बाद ये बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप करिएगा। ये हम कर चुके हैं इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और ये तो एक ही पार्ट है, ए बी इन्वर्स निकालना है आपको, तो ए बी इन्वर्स निकाल लेते हैं इसको। ये आपका ए है, ये बी है, और ए बी का इन्वर्स इस तरीके से निकलेगा जी, है ना। ये ए निकालना है, बी निकालना है, ए बी का मल्टीप्लीकेशन करना है और उसके बाद आप इसका इन्वर्जन निकालेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ए आपको दिया हुआ है, ए इन्वर्स निकालना है और ये शो करना है। तो इसका ए इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है, ये अभी आपने सीख लिया, फिर से निकाल लेते हैं। आपको सात और दो को एक्सचेंज कर देना है, मैं यहाँ सात लिख देता हूँ, यहाँ दो लिख देता हूँ। उसके बाद माइनस फोर और माइनस थ्री के साइन चेंज कर देने, ये थ्री हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा। और उसके बाद इसको डिवाइड कर देना किससे, इसके डिटर्मिनेंट से। सो सेवन टू ज़ा फोर्टीन माइनस फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तो टू, तो वन बाय टू हो गया जी। ये क्या आ गया आपका, दिस इज ए इनवर्स, मैंने एडजॉइंट ए निकाला और उसको डिवाइड कर दिया किससे, आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। अब इसमें रख देते हैं, तो ट्वाइस इंटू वन बाय टू सेवन फोर थ्री टू। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये दाया, ये तो हमने यहाँ लिखा, ये जो दाया हाथ है वो आपका इधर आना चाहिए। करके देख लेते हैं, नाइन इंटू आई, आई क्या है, वन जीरो जीरो वन, माइनस ए, ए तो यही है आपका, टू माइनस थ्री माइनस फोर सेवन। चलिए जी, ये आपका हो गया नाइन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, नाइन जीरो जीरो नाइन, और ये माइनस कर दीजिए आपका, टू माइनस थ्री माइनस फोर सेवन, तो नाइन माइनस टू हो गया आपका सेवन, जीरो माइनस ऑफ माइनस थ्री आपका हो गया थ्री, जीरो माइनस ऑफ माइनस फोर हो गया आपका फोर, और नाइन माइनस सेवन टू। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों बिल्कुल सेम आ गए। ऐसे करना है इसको, लेकिन लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये देखिएगा आप इस तरीके से करना है जी, है ना, ये सारा इस तरीके से होगा। नेक्स्ट वाला है, इसको भी कर लेंगे आप, क्योंकि यहां पर आपको करना यह है, ए की जगह ये रख दीजिए, माइनस थ्री इंटू आई, आइडेंटिटी में आप वन जीरो जीरो वन रख देंगे, ट्वाइस करेंगे आइडेंटिटी में, फिर ये रख देंगे, प्लस थ्री इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकलेगा इसका, फोर और टू, वन को आप एक्सचेंज कर दीजिए, वन और फोर हो गया, टू का माइनस टू, फाइव का माइनस फाइव, और इसको डिवाइड कर दीजिए इसके डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट क्या होगा जी, फोर वन ज़ा फोर माइनस फाइव, फोर फाइव टू ज़ा टेन, तो ये डिवाइड होगा माइनस वन बाय सिक्स से। ये आपका जो वैल्यू आई है ए इनवर्स, ये आपको इस जगह पर रख देनी है बस। तो आपको मैं दिखा देता हूँ सोल्यूशन कैसे है इसका, ये आई होपफुली यू नो एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू डू इट, आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट वाला भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है तो इसको हम कर लेते हैं प्रॉपर। तो ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, यानी पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स में क्या है, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देते हैं, ये आपका वन प्लस बी सी बाय ए हो जाएगा, ये आपका ये ए हो जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा, ये हो गया जी। अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर दी, नहीं अभी तो हमने ये किया है, अभी हमने क्या किया, इसका एडजॉइंट निकाला है। अब एडजॉइंट निकालने के बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, इससे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू वन प्लस वन प्लस बी सी बाय ए माइनस बी सी, तो ये तो कैंसिल हो गया, वन प्लस बी सी माइनस बी सी, वन प्लस बी सी माइनस बी सी, तो बी सी कैंसिल, वन आ गया। तो डिवाइड करने से वन से या मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यही आपका आ गया आपका ए इनवर्स। लेकिन ये आपका इनवर्स ऑलरेडी हो चुका है डिवाइड बाय वन करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा वन, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू है उस, मतलब अभी फिलहाल उसकी वैल्यू है नहीं, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ए से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा जी, अंदर मल्टीप्लाई करिए, वन प्लस बी सी आ गया यहाँ पर, यहाँ पर माइनस ए बी आ गया, यहाँ पर माइनस ए सी आ गया, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर हो गया, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये आपका एल एच एस है। अब हम आर एच एस करेंगे, आर एच एस क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस वन
इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 2 बाई 2 है इसलिए 1001 हो गया ये, माइनस ए इंटू ए, मतलब इससे ए से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देंगे। तो ए से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया, ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ गया, ए से सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ गया, ए से 1 प्लस बी बी प्लस बी सी, 1 प्लस बी सी बाई ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस बी सी आएगा। ये हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 जीरो जीरो, ये ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ये ए स्क्वायर, ये ए बी, ये ए सी, ये 1 प्लस बी सी। चलिए सबट्रैक्ट करते हैं जी, हमको यही लेके आना है ना, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल, बी सी प्लस 1 आ गया, 0 माइनस ए बी माइनस ए बी, 0 माइनस ए सी माइनस ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस 1 प्लस बी सी, तो 1 प्लस बी सी कट जाएगा, ए स्क्वायर आ गया। आपको दोनों में सिमिलैरिटी लग रही है, बिल्कुल सिमिलैरिटी लग रही है, दोनों सेम है जी, है ना। मैं इसको जरा हटा देता हूं ताकि आपको ये जरूर पता रहे कि करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप ऐसे होगा ये, है ना। नाउ एंड सो वी हैव आर एच एस एल एच एस हैंस प्रूफ, ये सब चीजें लिखनी है आपको, जो मैंने आपको बताया वो केवल तरीका बताया है कैसे सॉल्व करना है, बट इसका जो मेन मुद्दा है वो ये है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, ये ए बी इनवर्स निकालना है इसमें, तो इसमें क्या है, 3/3 है, ए दिया है आपको, बी इनवर्स दिया है ना। अब इसके लिए थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा, मैं मान के चलता हूं कि आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे, अब ये इतने क्वेश्चंस में हम सीख गए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आप बोलेंगे ए दिया है, बी इनवर्स दिया है, आपको ए बी इनवर्स निकालने के लिए कहा गया है। तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, ये तो आपने देख लिया ना, है ना। तो आपको ए बी इनवर्स निकालना है तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो बी इनवर्स तो आपके सामने बिल्कुल मौजूद है, आपको ए इनवर्स निकालना है, तो बेसिकली इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो मैं आपको यही समझा देता हूं, देखिए ये ए है, आप क्या करेंगे, हर एक वैल्यू का, मतलब जैसे 5 है, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, जैसे 5 निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, 3 2 2 1 आ गया, जो आप यहां भी देख रहे हैं, ऐसे सबका निकाल लेंगे। इस मैट्रिक्स को आप यहां रखेंगे, रख दिया आपने, रखने के बाद इसको ट्रांसपोज करेंगे, यानी ये रो को कॉलम, ये रो को कॉलम, ये रो को कॉलम बना देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे इसके डिटर्मिनेंट से, किससे, ए के डिटर्मिनेंट से। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी, मैं कर नहीं रहा हूं, बता देता हूं आपको, क्रॉस चेक जरूर करिएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो सारे साइन चेंज कर दीजिए आप, तो आप देखेंगे माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद ये सारे इसके साइन चेंज होंगे, ये दोनों देखेंगे तो आप ये दोनों साइन चेंज हो चुके हैं, ये आपका इनवर्स आ गया। अब आप बी इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके साथ ये जो वैल्यू आई है आपकी ए, ये आपका ए इनवर्स आया है, इसको यहां रख दीजिए, बी इनवर्स ऑलरेडी आपका है उसको यहां रख दीजिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आई होप मैं इतने दिनों में हमने देख लिया कितने बार क्वेश्चंस किए हमने इसके मल्टीप्लीकेशन के, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए साहब, ये जो आपका सवाल है 16वां सवाल, इसमें आपको एफ अल्फा दिया है, जी बीटा दिया है, इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि हमको निकालना है एफ अल्फा का इनवर्स। तो इसका इनवर्स निकाल लीजिए साहब, पहले इसका इनवर्स निकालिए, और इसका इनवर्स निकालेंगे तो एफ माइनस अल्फा आना चाहिए, एफ एम, अभी आप समझ जाएंगे क्या करना है। इसका इनवर्स निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, देखिए एक एक करके समझिएगा, क्योंकि इसको लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम की सीमा आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है, बहुत ध्यान से देखिए। पहले तो ये एफ अल्फा है, एफ माइनस अल्फा क्या होगा, मैं एफ माइनस अल्फा जरूर बता दूं आपको, ये आपका एफ माइनस अल्फा का मतलब ये होता है कि जहां जहां अल्फा है वहां माइनस अल्फा रख दीजिए, कहने का मतलब यहां पर आप लिखिए कॉस माइनस अल्फा, यहां पर माइनस साइन माइनस अल्फा, ये तो जीरो है, ये जीरो है, ये वन है, यहां पर साइन माइनस अल्फा, ये कॉस माइनस अल्फा, ये जीरो जीरो वन। अच्छा, कॉस माइनस अल्फा क्या होता है, ये कॉस अल्फा होता है, कॉस अल्फा कर दीजिए। साइन माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका साइन अल्फा बनेगा, जीरो जीरो वन। साइन माइनस अल्फा जैसे भी हमने देखा, ये माइनस साइन अल्फा होता है तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है, ये जीरो जीरो वन, ये हो गया जी।
आप समझ गए एफ माइनस अल्फा। तो अब क्या करना है आपको, ये एफ माइनस अल्फा इसका आप ये इन्वर्स निकालेंगे, वो इस ये चीज आनी चाहिए। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, अब मैं आपको यहां बताता हूं। हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू का को फैक्टर निकालेंगे। जैसे कॉस अल्फा निकालना है तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, कॉस अल्फा 0 0 1 लिखिए यहां पे, ये हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस 0, तो कॉस अल्फा आ गया। लेकिन इसके आगे माइनस 1 टू द पावर i प्लस j यानी कि 1 प्लस 1 होगा, और माइनस 1 टू द पावर i प्लस j हमेशा ध्यान रखिएगा, आप बस इसको जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 है 3, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये 1 प्लस 3 4, तो यहाँ पर प्लस 1 प्लस लगा दीजिए, क्योंकि माइनस 1 टू द पावर आपका इवन हमेशा 1 होता है, माइनस 1 टू द पावर ऑड हमेशा आपका माइनस होता है। तो ये निकाल लेंगे, इस पूरी जो वैल्यूज है उसको यहाँ तब्दील कर देंगे। तब्दील करने के बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे, इस रो को कॉलम, इस रो को कॉलम, इस रो को कॉलम, और ये जो वैल्यू आएगी आप देखेंगे कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे। एक काम करते हैं कि किसी भी रो और कॉलम से आप खोल सकते हैं वैसे, तो इसी से खोल लें डिटरमिनेंट निकालने के लिए। वैसे डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है, कॉस अल्फा ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा 0 0 1, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये देखिए ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, तो मैं इसकी जगह कॉस अल्फा लिख दे रहा हूँ, माइनस 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 प्लस कर दीजिए साइन अल्फा। अब इसका यानी कि ये जो है ए या सी 1 2 है, सी 1 2 देख लीजिए क्या आया जी, ये जो वैल्यू आई है माइनस साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा हो गया ये, है ना, माइनस साइन अल्फा आ गया। तो आपका ये बनेगा कॉस स्क्वायर और माइनस माइनस, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर साइन भी माइनस है, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर दीजिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ गया, ये आपका होगा 1। तो डिटर्मिनेंट इसका हो गया 1। अब डिटर्मिनेंट इसका 1 आया है तो इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये चीज आप जब देखेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल सेम इसी के तरीके है, यानी कि एफ माइनस अल्फा के बराबर है, समझ गया। अब इसी तरीके से जी बीटा, इसका आप बिल्कुल सेम काम करना है, इसका माइनस मैं दिखा भी देता हूं, चलिए ये इसका सोल्यूशन है। आपको क्या करना है, माइनस बीटा रखना है आपको बस ये ध्यान रखना है, कॉस माइनस अल्फा या कॉस माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, और साइन माइनस थीटा या माइनस अल्फा जो भी आप बोले वो माइनस साइन अल्फा होता है, ये हो गया आपका, वो सब यहाँ करना है। और उसके बाद आप कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर के साइन ध्यान देंगे क्योंकि इसके सामने साइन हमेशा ऑड के सामने साइन आता है नेगेटिव, फिर उसके बाद ये रखेंगे और उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे, और जो आप यहाँ पर जी माइनस बीटा मतलब यहाँ माइनस डाल के जो लाएंगे वो इसके बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट वाला है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाकायदा, तो यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको करना क्या है। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, उसका इन्वर्स निकालेंगे। उसका इन्वर्स जो आएगा वो जी माइनस बीटा और एफ माइनस अल्फा के बराबर आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन एफ माइनस अल्फा अभी अभी आपने निकाल लिया, जी माइनस बीटा आपने अभी अभी निकाल लिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और मल्टीप्लीकेशन के बाद आप देखेंगे कि ये एफ अल्फा जी बीटा के इन्वर्स के बराबर आएगा, ठीक है जी। अब इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं जो आगे आएंगे, तो इसको हम प्रॉपरली कर लेते हैं ताकि बाकी क्वेश्चन भी आप समझ सकें। यहाँ पर a दिया हुआ है, a स्क्वायर यहाँ लिखेंगे यानी कि a इंटू a करना पड़ेगा, 4 इंटू a यानी कि इस a को यहाँ उठा के रखना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 1 0 0 1 होती है, और जीरो मैट्रिक्स आपकी 0 0 0 होती है। अब ये आपको दिया हुआ है लेकिन इससे आपको a इन्वर्स निकालना है, तो उसका तरीका क्या होगा, क्योंकि आगे मैं आपको दिखा दूँ जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं इन सब में आपको ए इन्वर्स निकालना है, और देखिए आगे जितने भी आपको दिखाऊंगा ये सब में ए इन्वर्स निकालना है, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि आप इसको अप्रिशिएट कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक एक करके बताता हूं मैं इसमें क्या करना होता है। पहले ये ए है, इसको ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर कैसे निकाल के आएगा, ए इन टू ए यानी कि इसी ये ए है 2 3 1 2, और ये भी ए है 2 3 1 2, ये a है ये a है, तो 2 2 4 प्लस 3, ये 3 2 6 प्लस 3 2 6, ये 2 प्लस 2 और ये 3 प्लस 4। तो ये मैंने a स्क्वायर निकाला है जी, क्या निकाला है a स्क्वायर, ये क्या बना आपका, ये आपका बना 7, ये बना 12, ये 4 और ये आपका 7, a स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर हो गया तो इसमें रख रहा हूं मैं यहां पर ए स्क्वायर की जगह, तो 7 12 4 और 7 रख रहे हैं हम, माइनस 4 इंटू ए,
तो इस ये जो ए है इस मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे ये ए है ना, इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हर एक वैल्यू को फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये फोर टू ज़ा एट, यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, माइनस फोर टू ज़ा एट, ये फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ये फोर वन ज़ा फोर, और ये फोर टू ज़ा एट, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो आपको आइडिया लग गया है अभी तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखनी है, ये है साहब। अब ये बराबर जीरो के है तो पहले इसको कंप्यूट कर लेते हैं, ये तो डायरेक्ट कंप्यूट कर लेंगे आप, ये सेवन माइनस एट प्लस वन यानी कि माइनस वन और प्लस वन, ये आपका डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, सेवन प्लस एट ये आपका जीरो हो गया, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व प्लस जीरो तो ये आपका ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो होता है तो ये भी जीरो हो गया, ये सेवन फोर माइनस फोर प्लस ये जीरो जीरो हो गया, सेवन माइनस एट प्लस वन ये भी जीरो हो गया, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया, ये तो आपको प्रूव करना था है ना, ये हमने प्रूव कर दिया। इस प्रूविंग के बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब इस पे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारी चीजें आगे ऐसी होने वाली है। ये ए स्क्वायर है, ये माइनस फोर ए है, अब ये बराबर आई है, मैं इस आई को यहां ले जा रहा हूं, माइनस आई कर दीजिए इसको है ना। अब दोनों साइड हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ए इनवर्स से करेंगे, इसको भी ए इनवर्स से करेंगे, तो इनवर्स पहले कर लीजिए, ए इनवर्स बाद में कर लीजिए, आपके ऊपर है। इस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए डॉट ए, और इस यहाँ ए इनवर्स कर दीजिए, या फिर इसके बाद भी कर सकते हैं, फोर ये ए है इसके बाद भी कर सकते हैं ए इनवर्स, और माइनस आई इंटू ए इनवर्स, ये हो गया। अब किसी को भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आ जाती है, तो ये तो सीधा आपका माइनस ए इनवर्स बन गया, ये ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, तो माइनस फोर इंटू आई लिख सकते हैं इसको, तो माइनस फोर इंटू आई हो गया है आपका, और यहाँ से ये हट गया आपका, ये ए आ गया, तो ए इनवर्स क्या हो गया, ए माइनस फोर आई, और क्योंकि नेगेटिव है तो इस साइड ले आते हैं, तो ये ए इनवर्स बनेगा आपका, नेगेटिव इधर ला रहा हूँ तो ये फोर आई माइनस ए हो जाएगा, तो ये फोर आई माइनस ए निकाल लेंगे, फोर आई मतलब इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये फोर हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, यानी कि फोर जीरो जीरो फोर, ये आपका फोर आई हो गया माइनस ए, ए को डायरेक्ट उठा लीजिए, ये बनेगा टू थ्री वन टू, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका क्या बनेगा, फोर माइनस टू टू, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, जीरो माइनस वन, और फोर माइनस टू टू, तो आप देखें ये एकदम इसी की तरीके से आ गया, तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट वाला भी आपको दिखा देता हूँ, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है, ए इनवर्स ऐसे ही निकालना है आपको। सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालिए, फोर से मल्टीप्लाई करिए ए को, ये ए स्क्वायर यहाँ दिख रहा है आपको, फोर ए से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है, माइनस फोर्टी टू इंटू आई, यानी जहाँ जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा आपका, जैसे वन जीरो जीरो वन, इसकी जगह 42, इसकी जगह 42, तो यहाँ आ गया। अब इसको इन दोनों को जोड़िए, इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐसे सारों के साथ करिए, ये आपका जीरो आ जाएगा। ये तो केवल प्रूविंग के लिए है कि ये इक्वल टू जीरो आना चाहिए, लेकिन जब ये आप ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस 42 आई है ना बराबर जीरो है, तो आपको क्या है, पहले तो आप सब जगह ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ये ए इनवर्स कर दीजिए, ये ए इनवर्स कर दीजिए, इसको ए इनवर्स कर दीजिए, आपको पता है ये ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए डॉट ए इनवर्स, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये तो आपका केवल ए ही हो गया, ये हट गया आपका, तो प्लस फोर आई आ गया, इसको इधर ले जा लीजिए, ये आपका बनेगा 42 और आई इंटू ए इनवर्स, ये भी ए इनवर्स हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी से किसी का भी मल्टीप्लीकेशन यही आता है, तो ए प्लस फोर आई निकालेंगे आप और उसके बाद डिवाइड कर देंगे इसको 42 से, तो ये आप जब ये टोटल ये कर लेंगे उसके बाद 1/42 यानी कि 1/42 इसके आगे आ जाएगा, यही इसका उत्तर बन जाएगा। सेम चीज यही करेंगे, ए इनवर्स बिल्कुल सेम तरीका है, इसको आप अपने आप कर लेंगे। नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से है, बिल्कुल सेम चीज करनी है, थोड़ा सा इसमें अगर आपको बता दूं कि एक यहां जो ए स्क्वायर है ये बेसिकली ये इक्वल नहीं है, माइनस है, बस इसमें x और y की बात है ना, ये हो जाएगा, आई होप ये कर लेंगे ना। पहले तो आप x और y निकालने की कोशिश करेंगे, और x और y निकालने के बाद फिर आप एक्चुअल जगह डाल देंगे जब आप इसको करें। यहीं पे बता देता हूं मैं आपको क्या करना है, देखिए ये आपका ए स्क्वायर है, a इंटू ए तो कर लेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x 3x 2x 5x ये हो गया, और यहां पर है आपका प्लस वाई आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 1 0 0, तो y आ जाएगा क्योंकि y से मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखिए 22 माइनस 4x प्लस y, 18 माइनस 2x प्लस 0,
और 27 माइनस 3x प्लस 0 और 31 माइनस 5x प्लस y, ये सारे आ गए बराबर 0 है। तो इसको 0 के बराबर करिए, पहले आप चाहे तो इन दोनों में से किसी एक को 0 के बराबर कर दीजिए, यानी कि 27 माइनस x या 18 माइनस 2x को, जैसे मैं इसी को कर देता हूँ, 18 माइनस 2x आपका 0 के बराबर है, तो 18 बराबर 2x हो गया, तो x हो गया आपका 9, यहाँ से भी आपको यही मिलने वाला था। अब इस बार किसी भी इक्वेशन, जैसे ये है, ये आपका 31 माइनस 5x माइनस y बराबर 0 है, 31 माइनस x मिल गया, फाइनल आंसर 45 माइनस y बराबर 0, y आपका कितना आ गया 31 माइनस 45, है ना, 31 माइनस 45, ये 45 माइनस 31 हो जाएगा, सॉरी, तो आपका ये हो गया 14, तो 14 आ गया, x आ गया, y आ गया आपका, तो x और y वैल्यू मिल गई आपको। अब आपको क्या करना है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए, तो x की जगह इस बार आप 9 रखेंगे और y की जगह इस बार आप 14 रखेंगे, तो अब आपके पास वो इक्वेशन बन गई जो इसके पहले क्वेश्चन में बता रहा था, 9a प्लस 49, ये बन गया जी। अब इसमें आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका a बनेगा, ये आपका बन जाएगा माइनस 9i, और ये इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस 14 a इनवर्स i, तो a इनवर्स ही रहेगा, तो जो भी a माइनस 9i आएगा उसके सामने आप 1 बाय माइनस 14 कर दीजिएगा, या माइनस 1 बाय 14 कर दीजिएगा, या माइनस को अंदर ले जा लीजिएगा जब फाइनल आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से है ये भी, है ना, इसमें कोई ऐसा अंतर तो है नहीं, क्योंकि a करेंगे फिर a स्क्वायर करेंगे इक्वल्स लैम्डा आई a माइनस 2i, तो यहां से आपको लैम्डा निकल के आएगा, लैम्डा निकल गया क्योंकि इक्वेट करना है सिंपल, लैम्डा निकल के आ गया, लैम्डा निकल के आ गया, तो यहां रख लीजिए इसको लैम्डा को, फिर एक इक्वेशन बनेगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो i वाला टर्म है ये राइट हैंड साइड में आएगा, बाकी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो इस तरीके से आप a इनवर्स निकाल लेंगे, ये भी कुछ इसी तरीके का है, ये भी कर लेंगे आप, बिल्कुल सेम तरीका है, इसलिए मैंने पहला आपको करके दिखाया क्योंकि ये सारे उसी तरीके से चलेंगे, अगर इसमें कुछ भी फेर बदल होती तो मैं आपको जरूर बताता। यहां पर भी आप a इनवर्स निकाल लेंगे क्योंकि इक्वेशन आपके सामने है, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे आप, और ध्यान रखिएगा ये जो आपका है शो दैट दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब a इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्टीमेटली आप बात कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस ये 1 नहीं है, इसको i होना चाहिए, बराबर 0, ऐसे बनेगा ये, तो ये तो पहले आप इक्वल टू 0 दिखा दीजिए इसको, और उसके बाद आप जो i वाला टर्म है उसको दाएं हाथ पे लीजिए, बाकी इसको सॉल्व करके इसको इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है आपको। अब ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि एक तो इसमें 3x3 मैट्रिक्स आ गई है और दूसरा ए इनवर्स कैसे निकालेंगे इसमें, तो इसमें एक एक करके आपको बताऊंगा, इसमें जहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो आपको मैं बता दूंगा कि वो हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता है। तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि ये ए की बार माइनस 3 नहीं है जी, ये ए क्यूब है, ध्यान रखिएगा ये ए क्यूब है, तो a क्यूब के लिए आपको a इंटू ए इंटू ए, यानी कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप कर लेंगे, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, a इंटू ए रिजल्ट ये आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना अगेन a से, ये दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a क्यूब आपका टोटल ये आने वाला है, ठीक। अब a क्यूब जो आ गया, ये जो a क्यूब आ गया, इसको आप लिखिए, ये आप कर लेंगे, आई होप ये आप कर लेंगे, इसमें ही टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगेगा, माइनस 23, ये 27, ये माइनस 69, 32, ये माइनस 13 और ये 58, यहाँ पर माइनस 6 क्योंकि ए स्क्वायर ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, ये आपका ऑलरेडी ए स्क्वायर है, स्क्वायर रख दीजिए, माइनस 6 इंटू 4 टू 1, ये माइनस 3, 8 माइनस 14, 7 माइनस 3 और 14, माइनस 6 प्लस 5 इंटू ए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, सबको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 5 5 5 2 10 5 3 15 5 2 10 5 -5 हो गया, ये 5 3 15 और प्लस 11i आई क्या होगा इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब इसमें आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस ही हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है साहब। ये जब आपका हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है कि 11 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, क्योंकि यही एक चीज बच रही है, तो यहां पर मैं कर देता हूं, ये बता देता हूं आपको क्या आएगा वैल्यू, यहां ध्यान दीजिए आप, 6 4 24,
सिक्स टू जै ट्वेल्व, सिक्स वन जै सिक्स, सिक्स इज एटीन, माइनस एटीन हो गया, सिक्स एट जै फोर्टी एट, और सिक्स इंटू फोर्टीन सिक्स, सिक्स फोर ट्वेंटी फोर का फोर टू करें हैंड, सिक्स वन जै सिक्स एटी फोर, एटी फोर हो गया, सेवन सिक्स जै फोर्टी टू, सिक्स इज एटीन माइनस एटीन, और सिक्स इंटू फोर्टीन, फोर्टीन हो गया आपका एटी फोर। ठीक है जी, अब आप देखिए ये जो चीज़ें आ गई हैं, ये जो फाइनल आ गया, ये दिस माइनस दिस प्लस दिस प्लस इलेवन, तो ये फाइनल आप कर लेंगे, बिल्कुल यही करना है। और ये फाइनल जब करेंगे, जैसे यार एट माइनस ट्वेंटी फोर और प्लस फाइव और प्लस ग्यारह, ये आपका बन गया पहला वाला, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे सारा करके आपकी ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी, एक्चुअल टू जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपने केवल इसको जीरो प्रूफ किया है, अभी आपका ए इनवर्स आना बाकी है। और ए इनवर्स का तरीका मैं आपको बता देता हूं, देखिए ए इनवर्स कैसे बनेगा, इसमें आपके पास ये है ए क्यूब, वो तरीका वही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस इलेवन आई थ्री बराबर जीरो। अब इसमें क्या है कि आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ए इनवर्स एक ए इससे हटा दीजिए, ये ए स्क्वायर बन गया, एक ए इससे हटा दीजिए, सिक्स ए बन गया, प्लस फाइव इंटू ए इनवर्स, ये तो फाइव आई बन गया, और यहाँ पर आई इनवर्स से कोई भी मल्टीप्लाई की चीज़ होगी वो वही आ जाएगी, प्लस ग्यारह ए इनवर्स आ गया। ठीक है जी, अब ये इसको ये भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, तो खैर तो ये तो जीरो ही रहेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ध्यान रखिएगा ये जो हमेशा जो ए इनवर्स वाला टर्म है वो हम दाएं हाथ पे ले जाते हैं, तो 11 ए इनवर्स अगर हम यहां रखें तो बाकी क्या बन जाएगा, ये आपका माइनस ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए और माइनस फाइव आई। ए स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है, डायरेक्ट यूज करिए, सिक्स इंटू ए ये मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूं अभी आपको, सिक्स इंटू ए करिए, माइनस फाइव इंटू आई ये भी हम कर चुके हैं, तो ये आपका आएगा एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इनको सॉल्व करिए क्योंकि सिंपल मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और जब फाइनल आ जाए तो उसको डिवाइडेड बाय 11 कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर माइनस 11 है लेकिन मैंने यहाँ 11 लिया है, तो डिवाइडेड बाय आपका 11 कर दीजिए, तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये इनवर्स निकालने का तरीका है आपका। अब ये आपके पास है, ये आपका अब क्यूब वाला हो गया, खैर क्यूब वाला मैंने बता दिया आपको, तो इसमें ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको प्रूव करना होगा, ए क्यूब निकालना है, इसको तीन बार मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत लंबा जाएगा। ए स्क्वायर आप ऑलरेडी निकालेंगे, क्योंकि जब ए क्यूब निकालेंगे तो ए इंटू ए क्यूब निकालने के आप लिए आपको ए इंटू ए करना ही पड़ेगा, ए स्क्वायर, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब आपको ए क्यूब निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर ऑलरेडी आ गया, ए आपको ऑलरेडी है, आई थ्री ऑलरेडी है, तो ये सब करने के बाद आप देखेंगे जीरो आएगा, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए क्यूब है माइनस ए स्क्वायर है माइनस थ्री ए है माइनस आई थ्री है और बराबर जीरो कर दीजिए, इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो ही होता है, ए इनवर्स करेंगे तो उसको ए स्क्वायर कर दीजिए, एक एक कम कर दीजिए, ये ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, ये आपका माइनस थ्री आई हो जाएगा और ए ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें ए इनवर्स डायरेक्ट आ रहा है आपका, बस ए इनवर्स को इधर ले लीजिए, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आप ए स्क्वायर माइनस ए माइनस थ्री आई करेंगे, बस ये करना है आपको, ए स्क्वायर ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं यहाँ पे, ए और थ्री आई ऐसे हो जाएगा। ये भी कुछ इसी तरीके से है, बिल्कुल सेम चीज़ है, एक्चुअली रिपीटेशन इसलिए है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा जब एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको ये ए ट्रांसपोज है जी, क्योंकि ए इनवर्स बराबर ए क्यूब भी अभी आने वाला है, लेकिन ये ए ट्रांसपोज है, तो पहले तो आप इसका ए इनवर्स निकाल लीजिए और उसके बाद आपको ट्रांसपोज निकालना है और ट्रांसपोज इसके बराबर दिखाना है। तो अगर आपके पास ये ए है तो इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा जी, ट्रांसपोज क्या होगा, इसका रो और कॉलम को बदल दीजिए, तो ए ट्रांसपोज मैं कर रहा हूं, ये रो है इसको कॉलम में बदल दीजिए, वन बाय नाइन तो बाहर है ही, इसको हम कॉलम में बदल देते हैं, तो कॉलम कैसे होगा जी, ये होगा माइनस एट वन फोर, ये आपका फोर फोर और सेवन और ये वन माइनस एट फोर, तो ये तो आपका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब हम इसका निकालने वाले हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हमको एक तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए डिवाइडेड बाय एन कर दीजिए, क्योंकि तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ऐसे कर सकते हैं, तो इसका लेकिन अभी क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा,
क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब यही है कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई करिए एक ही करके और उसके बाद बाहर लेके आएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये कहने का मतलब ये होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि 1/9 को छोड़ दीजिए, इसको फाइनल कर लीजिए और वो यहाँ पर रख दीजिए, ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको इसको 1/9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर सब्स के साथ और फिर हम इसको बाहर ले सकते हैं। कहने का मतलब कि मैं अगर 1/9 को मल्टीप्लाई करूँ अंदर ऐसे, ये आपका ये है -8, 1/4, 4/4, 7 और 1 -8, 4, तो ये मल्टीप्लाई होगा पहले अंदर, ये बाय 9 आएगा, ये बाय 9 बाय 9 बाय 9 बाय 9 बाय 9 बाय 9 बाय 9, ये चला गया। अब आप रो या कॉलम से अब हम 9 निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अब हम रो और ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना आप, ऐसे नहीं होगा कि 1/9 को छोड़ दीजिए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं होता। 1/9 को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर और वो क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे तब आप इससे 9 बाहर ले सकते हैं, लेकिन वो सबसे नहीं ले सकते, या तो रो से ले सकते हैं या कॉलम से ले सकते हैं। तो अगर हम इस रो से ले लें तो 1/9 यहाँ से आ गया, इस रो से 1/9 यहाँ से आ गया, इस रो से 1/9 यहाँ से आ गया। अब जो आपका बचता है वो एक्चुअल बनता है ये वाला, ये यानी कि -8, 1/4, 4/4, 7 और 1 -8, 4। अब इसका निकालिए डिटर्मिनेंट, अब निकाल सकते हैं आप, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और डिवाइड करना पड़ेगा 1/9 × 9 × 9 से। क्लियर है? ओके, तो हम ये कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा -8, ये बनेगा 4, 4 ये लिखी देते हैं 4 -8, 7 और 4, ये -1, ये बनेगा 4, 1, 7, 4, ये बनेगा +4 और 4, 1, 4, -8, तो -8 ये होगा 4, 4, 16, माइनस प्लस हो जाएगा 7, 8, 56 और माइनस ये 4, 4, 16 -7 और +4 ये -8, 4, 32, -4। वैसे मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ये जो सोल्यूशन आएगा, क्योंकि इसके नीचे जो भी रिजल्ट आएगा उसके नीचे आपका 1/9 × 9 × 9, तो कंप्यूटेशन में ना जाते हुए मैं आपको बता दूँ, ये आप कंप्यूट करेंगे तो -1 आएगा डायरेक्ट। तो अब मैं बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका -1 आ गया। अब जब इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे, जैसे हमने ये तो निकाल लिया कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है, मैंने आपको बता दिया। एडजॉइंट ए में हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा, पहले आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, वो इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन के बाद निकलेगा। कहने का मतलब ये जो टर्म है इसका एडजॉइंट निकलेगा, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, -8/9, 1/9, 4/9, ये आपका 4/9, 4/9, 7/9, ये आपका 9/9, ये -7, 8/9 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब नीचे 9 है तो -8/9, -8/9, ये 4/9। अब इसका कोफैक्टर निकालने के लिए एक दो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, जैसे इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा ये लेना पड़ेगा आपको। तो -1 to the power i + j, ये आपका C11 है तो 1+1 अंदर क्या आएगा 4/9, 7/9, ये -8/9 और 4/9, इसमें 9 9 बाहर ले लीजिए, इस रो से एक, इस रो से एक, तो आपका ये तो खैर +1 बन जाएगा, मैं 1/9 और 9 इस रो से या कॉलम से ले सकते हैं। अब क्या बना आपका 4, 7 - 8, 4, क्या बना 4, 4 = 16 -7 = 56 प्लस में आ जाएगा, ये माइनस है इसलिए, तो ये 72 बना, तो 72 यहाँ रखेंगे तो 8, 9 = 72, तो ये बनेगा 8/9, तो यहाँ पर आपका 8/9 ऐसे आ रहा है। एक और करके दिखाता हूँ आपको, मैं C33 निकाल के देखते हैं। C33 निकालने के लिए आपको ये अगर निकालना है तो ये यहाँ ये वाले 4 लेने पड़ेंगे, हम C33 निकाल रहे हैं, ये -1 to the power 3 + 3 और क्या आएगा यहाँ पर, मैं 9 9 अपने आप ले रहा हूँ बाहर, तो 9 यहाँ 9 यहाँ, केवल ये वाले टर्म लिखेंगे फिर -8, 1, 4, 4, तो ये कितना बना माइनस, ये 8, 4 = 36 और माइनस नहीं 8, 4 = 32 और -4, तो -36 हो गया ये नीचे के, ये तो प्लस हो गया, -1 to the power 6, ये 9 है, ये 9 है, 9, 4 = 36 यानी कि -4/9, -4/9 यहाँ आ गया। अब ये सारे जो टर्म आ जाएंगे ना आपके, इनको रखिए यहाँ पे ये सारे, फिर इसका ट्रांसपोज लीजिए, इस रो को कॉलम, इस रो को कॉलम, इस रो को कॉलम,
और फिर इसके बाद ये जो टर्म आ गया इसको डिवाइड कर दीजिए माइनस वन से, मतलब इसके सारे साइन चेंज कर दीजिए, बेसिकली माइनस वन का मतलब यही होता है साइन चेंज हो जाएगा। जब आप साइन चेंज करेंगे तो आप देखेंगे ये जो रिजल्ट आया है ये एग्जैक्टली वही है जो हम शुरुआत में ए ट्रांसपोज में ले रहे थे। क्लियर है, ऐसे बनेगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा था ए इनवर्स बराबर ए क्यूब भी करना पड़ेगा, तो इसमें तो बहुत आसान है, ए इनवर्स निकालना तो आपका आता ही है। ए क्यूब के लिए आपको बस इसको तीन बार मल्टीप्लीकेशन करना है, वो मैं दिखा देता हूं आपको कैसे होगा। ये आपका ए है, पहले ए स्क्वायर निकालिए, इन दोनों को दो बार मल्टीप्लाई करिए, ये रिजल्ट आ जाएगा। और फिर उसके बाद ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर जो आया उसको ए से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टर्म आ गया, ये आपका हो गया ए क्यूब। जब ए क्यूब आ गया आपका, इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपको ए इनवर्स निकालना है, तो या तो ए इनवर्स के लिए आप बहुत आसान चीज़ है कि भाई एडजॉइंट ए निकाल लीजिए और उसके बाद आप इसको डिवाइड कर दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए से। अब मैं आप इसको थोड़ा सा एक दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ये ए क्यूब बराबर ए इनवर्स है ना, ए क्यूब बराबर ए इनवर्स है, और ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है कि ए क्यूब बराबर ए इनवर्स है। हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि ए क्यूब क्या है ये, ठीक है जी। अब ए क्यूब को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, ए से अगेन, तब क्या आएगा, तो आपको ए क्यूब को ए से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लीकेशन तो कर लेंगे आप, यानी कि जो आपका ए क्यूब फाइनल आएगा ना इसको फिर ए से मल्टीप्लाई करिए, तो ए क्यूब से ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ये। अब क्या करिए कि ये तो आ गया, दोनों साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स और ए इनवर्स, तो ये तो आपका ए इनवर्स बना, ठीक है, ये आपका हट गया, ये ए क्यूब के बराबर आ गया, तो ए क्यूब बराबर ए इनवर्स आप यहां से ले आए, ठीक है जी। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम इस वाले टर्म को ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आए, तो कोई भी टर्म जैसे आपका ये बी है और मैं इसको किसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब मान लीजिए एक्स से और आई आ जाता है, तो मतलब एक्स क्या है, ये बी इनवर्स के बराबर है। यही हमने काम किया कि ए क्यूब को जब हमने ए से मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब ए क्यूब क्या है, ये ए इनवर्स ही तो है, तभी तो ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आइडेंटिटी आएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहां पर इस तरीके के सवाल हमने ए क्यूब वाले भी कर लिए हैं, तो मैं आपको यही बता देता हूं, करना आपको ये है ए स्क्वायर बराबर ए इनवर्स करने के लिए पहले तो आप ए लीजिए और ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ये ए है ये ए है, इसका मल्टीप्लीकेशन आप कर लेंगे। जब आप मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तब आप देखिएगा कि ए स्क्वायर में ऐसा, क्योंकि ए स्क्वायर आप निकाल चुके हैं, अब ए स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ए स्क्वायर ये आ गया, अब अगर हम इसको ए से फिर मल्टीप्लाई करें यानी कि ए क्यूब कर दें तब आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, कहने का मतलब ए स्क्वायर तो आप निकाल ही लेंगे, फिर ए स्क्वायर को फिर से ए से मल्टीप्लाई करिए, आप देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो अगर हम ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर क्या है, ये इनवर्स ही होना चाहिए ना, तभी तो ए इनवर्स इंटू ए आपका आई आएगा, तो ऐसे प्रूव होगा ये आपका। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये ऐसे क्वेश्चन काफी आने वाले हैं आगे, तो इसको हम ध्यान से या ये कहें कि इसको पूरा करेंगे हम। तो सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस वेयर एक्स इज अ 2x2 मैट्रिक्स। अभी जो एक्स मैट्रिक्स है ये आपको दिया नहीं है, आपको बस बता दिया गया 2x2 मैट्रिक्स है, तो एक्स निकालना है। तो अब आप देखिए इसको मैं कह देता हूं कि ये हमारा ए है, इसको हम कह देते हैं कि ये बी है, तो ए इंटू एक्स बराबर बी, ये चीज है। अब दोनों साइड अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये तो आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, तो एक्स कैसे आएगा, ए इनवर्स इंटू बी, तो आपको बेसिकली ये जो ए हमने माना है इसका इनवर्स निकालना है और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका इनवर्स निकालने का तो बहुत आसान तरीका है, 5411 है यहां पे आपके पास। पहले तो आप क्या करिए कि इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, और ये 5 4 इसमें एक्सचेंज करने पे क्या करना पड़ेगा आपको, 5 1 यहां कर दीजिए, 5 यहां कर दीजिए, और इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये आपका -1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ठीक है साहब। ये आपका एडजॉइंट हुआ है क्योंकि ये जो आपका वैल्यू आने वाली है इसको फाइनल तरीका यही है, अगर आप कुछ भी करेंगे तो आना यही है। देखिए आप ये देखिएगा,
आप कोई भी तरीका अपनाइए, जैसे कोफैक्टर का तरीका अपनाइए चाहे ये तरीका अपनाइए, ये इसका शॉर्ट हैंड तरीका है। आपको इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, दोनों को इस दोनों के साइन चेंज कर देने, तो आपका ये आपका ए इनवर्स आ गया जी, ये इनवर्स बन गया है, ए इनवर्स हो गया। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी से ये इनवर्स आ गया ना, ये इसको हम कर देते हैं 1 - 2, 1, 3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 1 + - 4 और 1 × -2 - 2 और -4 × 3 - 4 = 12 -1 × 1 - 1 और +5 ये हो गया जी, और -1 × -2 = 2 हो गया, 5 × 3 = 15 तो क्या बना ये -3, ये आपका -3, ये आपका -14, ये 4 और ये 17, तो ये आपका x आ गया। अब सारे सवाल कुछ इसी तरीके से हैं, तो मैं आपको जो सोल्यूशन है वो तो बता ही रहा हूं, लेकिन इसका तरीका यही है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये x है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो x a बराबर b। अब आपको केवल x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x a है, इसको यहां इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां क्यों नहीं लिया हमने, वरना इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये हमने इसलिए इनवर्स बाद में लिया, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, बी ए इनवर्स। तो आपको करना क्या है, b लेना है, यानी 14 - 7 - 7 - 7। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे जी, 5 और 2 को आप एक्सचेंज कर दीजिए, तो -2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, और इनके साइन चेंज कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर है x, वो x होगा। तो बता देता हूँ 3 - 1 - 2 आपका आना चाहिए, इसको करके देखिए। नेक्स्ट वाला है, फाइंड द मैट्रिक्स x फॉर विच दिस। अब इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास तीन चीजें हैं इसमें, तो मैं सारा आपको दिखा देता हूं इसका जो सोल्यूशन है, तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ऐसा कोई अंतर नहीं है इसमें। तो यहां पर देखिएगा, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं, तो बेसिकली क्या बना, a x b बराबर c। तो पहली चीज ये है कि आपको इसमें किसी तरीके से x को लाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, तो ये i हो जाएगा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये x b बराबर a इनवर्स c। अब दोनों साइड आप b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b इनवर्स से ये i बन जाएगा, तो ये i इंटू एक्स इंटू आई बराबर हो गया a इनवर्स c b इनवर्स। तो ये तो किसी से भी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी से होगा तो आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, मतलब बेसिकली आपका x ही रिजल्ट आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, a इनवर्स, a इनवर्स निकाल देता हूं मैं, 3 और 5 को एक्सचेंज कर रहा हूं, यहाँ 5 और 3 और 7 और 2 का साइन चेंज कर दे रहे हैं, -2 - 7, ये इसका तरीका है। c क्या है आपके पास, c ये है, तो ये 2 - 1 = 4। अब b इनवर्स निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, तो इसको यहां पर एक्सचेंज कर दें, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और इनके साइन चेंज कर दें, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो देखिएगा आप, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, तीनों का मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, पहले इसका कर लीजिए, फिर रिजल्ट इसका कर लीजिए, या फिर इनका कर लीजिए, इससे इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फाइनल जो आपका x आने वाला है जब आप करेंगे, तो ये -16, 3, 24 और -5 आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है जी। बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसे ही करना है आपको, इसमें कोई अंतर नहीं, जैसा भी अभी हमने किया वैसे ही करना है। चाहे तो आप ये कोफैक्टर निकाल के कर लीजिए, या मैंने जो शॉर्ट हैंड तरीका बताया है वैसे कर लीजिए, दोनों में ये 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स वैसे ही आना है। इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 34 क्वेश्चन जो दिखा रहा हूं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूं, लेकिन मैं तरीका थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। रिवाइज करने के लिए पहले आपको जो ए है ना, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखें वो क्या आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल लेंगे, आई होप डिटर्मिनेंट और प्रैक्टिस मल्टीप्लीकेशन आपको आना ही चाहिए, तभी आप ये सब समझ पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है निकालेंगे तो वो 5 आएगा, कहने का मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इन्वर्टिबल है, पहला ये दिखाना है आपको एग्जामिनर को। अब ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई करिए, -4 × a इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहां रखिए,
माइनस फाइव इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या हो गई आपकी, ये 3/3 है, तो 100001 ये यहाँ रख देंगे। तो ये तीनों चीज़ रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जीरो आ जाएगा फाइनली, तो ये इक्वल टू जीरो दिखाना है ना, तो ये जीरो आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ए इन्वर्स निकालने का तरीका, ये रिकॉल करा रहा हूँ, ये ऐसे काफ़ी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये रिकॉल करा रहा हूँ। तो आपके क्या पास क्या बना, ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव वाई बराबर नल मैट्रिक्स। अब दोनों साइड आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब किसी का भी जीरो से मल्टीप्लीकेशन होता है तो जीरो ही आएगा। अब ए इन्वर्स, इससे एक ए हटा दीजिए, ए इन्वर्स और ए क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हमेशा सामने आता है, ए इन्वर्स ए आपका फोर आई हो जाएगा, और ये आपका बना फाइव आई, और फाइव आई है ये, है ना, और ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ए इन्वर्स से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा ए इन्वर्स ही आएगा। तो इसको आप यहाँ दाएं हाथ पे ले लेंगे, तो फाइव ए इन्वर्स आ गया आपका ए माइनस फोर आई। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ए रखिए आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके, ये फोर यानी मतलब ये फोर हो, ये फोर, ये फोर, ये माइनस कर दीजिए, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, डिवाइड फाइव से करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा ये फाइव ए इन्वर्स है, तो 1/5 से डिवाइड होगा ये। इस तरीके का भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक क्वेश्चन पहले आया था, इसको भी आपको बता देता हूँ। इसमें करना क्या है, ए बी इन्वर्स लाना है, और ए बी इन्वर्स निकालने के लिए आपको मैंने बताया था ए बी इन्वर्स बराबर, ऐसे क्वेश्चन भी किए थे हमने, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है ना, जब बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, ए इन्वर्स ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, बी इन्वर्स निकालना है। बी इन्वर्स के लिए आप क्या करेंगे, सारे के सारे इसके कोफैक्टर निकाल लीजिए, और कोफैक्टर के बाद जब जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, और ट्रांसपोज लेके इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, इसका डिटर्मिनेंट है ना, ये वन आ रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ रखिए बी इन्वर्स, यहाँ इन्वर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आ जाएगा। ये ए दिया है आपको, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है आपको, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं कि ए ट्रांस, ये बता देता हूं आपको, मैंने प्रॉपर्टीज में भी बताया है कि एक ही बात है, या तो ये इक्विवेलेंट है, पहले ए इन्वर्स निकालिए और उसका ट्रांसपोज कर लीजिए। तो ए इन्वर्स निकालने का तरीका तो आपको पता है, ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आप निकाल लेंगे या वन आएगा आपको। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सारे कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ए इन्वर्स आ जाएगा। अब जो इन्वर्स आएगा उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, मतलब जो जो रोज आप देख रहे हैं ना, इन रोज को आपको कॉलम बनाना है, यानी कि ये जो रोज है ये कॉलम बन जाएगी, ये रो कॉलम बन जाएगी, ये रो कॉलम बन जाएगी, और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला है, इस तरीके के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन इसको हम मैं बता देता हूं, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ए का मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि एडजॉइंट निकालना है, यहाँ पर इन्वर्स की बात नहीं हो रही है, एडजॉइंट निकालना है, तो ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका तो इसमें बहुत ही आसान है, ये प्रूव बाद में करेंगे, एडजॉइंट ए निकालने का तरीका बता देता हूँ आपको। हर एक का आपको कोफैक्टर निकालना है, जैसे मैं इसका निकाल के दिखा देता हूँ, वैसे हम कई बार कर चुके हैं, जस्ट आपके रिकॉल के लिए। माइनस वन का निकालना है तो आप ये लेंगे, तो माइनस वन का निकालना है तो माइनस, ये आपका सी वन वन है, तो सी वन वन निकालने के लिए माइनस वन टू द पावर ये वन प्लस वन करेंगे और ये रख देंगे 1-2, जो रो और कॉलम इसमें आती है उसको छोड़ के बाकी रख देंगे 1-2-2 1, तो ये -1 टू द पावर 2 तो 1 ही होगा, और ये होगा 1-2 टू द 4, ये आपका -3 आ गया। तो ये जो -3 है, इस तरीके से सारे निकाल लेंगे, जो भी आएगा यहाँ रख देंगे, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है आपकी। उसके बाद आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद आपका एडजॉइंट आएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो हमने रखे हैं इसको ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ रखा है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर हम, ये तो हमने केवल एडजॉइंट निकाला है, एडजॉइंट निकालने के बाद आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ रखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, इसके बारे में मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से आप जान चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करिए एडजॉइंट ए से, एडजॉइंट ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 27 × i3, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी रिजल्ट आएगा इससे 27 निकाल लीजिए बाहर, तो 27 और ये जो भी बचेगा ये 27 और ये i3 है, ये ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू i3 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें
ए दिया है, ए इनवर्स निकालना है और ये भी शो करना है। तो इसका ए इनवर्स निकालने का तरीका आपको पता है, एडजॉइंट ए निकालिए। एडजॉइंट ए निकालने के बाद ये सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 2 आ रहा है, वो हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है, इसमें आपको दिया है शो दैट। तो ए इनवर्स तो आपने निकाल ही लिया है ना, ये किसके बराबर, ए इनवर्स निकाल लिया। अब हाफ ए स्क्वायर माइनस 3i, ठीक है जी। अब ए स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए को ए से। पहली चीज तो आप ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ये ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर यहां रखेंगे माइनस 3 इंटू आई। आई क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स। तो ये आपका ए स्क्वायर है, माइनस 3 इंटू आई करेंगे, ये जो रिजल्ट आएगा आपका, ये बिल्कुल सेम ए इनवर्स की तरह ही आ जाएगा। बस यही करना है इसमें, इसमें मतलब कुछ ऐसी ट्रिक नहीं है या कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैं बता सकूं, सिंपल जो आपने किया हुआ है वही आपको करना है। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।